का स्टूडेंट हूँ और हमने अभी भी रजिस्ट्रार मैम को एक एप्लीकेशन दी है जिसमें हमने चार पांच मांगें रखी हैं अपनी, जिसमें पहली मांग हमारी ये है कि जो पेपर हो रहे हैं वो हमारे या तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, एक मोड दे दिया जाए ताकि बच्चों को क्लैरिटी आ जाए कि पेपर किस तरीके से देने। जो बच्चे बाहर रहते हैं, जो मतलब कोविड की वजह से आ नहीं सकते, जैसे अब बिहार के कई बच्चे हैं और हैं बीटेक फैसिलिटी के अंदर, वो सारे पेपर दे पाए अच्छे तरीके से और बिना कोई परेशानी के साथ। और साथ में हमने दूसरी मांग ये रखी है कि जो पेपर होंगे उन्हें एनी फाइव का ऑप्शन दिया जाए। एनी फाइव पहले भी होता था, आज भी होता है, हमारे सिलेबस कम्प्लीट हुए नहीं है ऑनलाइन की वजह से, पेपर ऐसे हैं मतलब सिलेबस आधा है, सिलेबस आधा हुआ है और ऑफलाइन का आधा हुआ है, तो उसमें स्टूडेंट सारे कंफ्यूज हैं कि पेपर किस तरीके से दें, इसलिए हमें फाइव एनी फाइव ऑप्शन दिया जाए। और बाकी आपको सुमित भैया हैं, ये भी बताएंगे। सुमित कुमार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रांत विश्वविद्यालय। आज हमने विद्यार्थियों की समस्या को लेकर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार महोदय को हमने मांग पत्र दिया है और विद्यार्थियों ने अपनी सभी ने समस्या रखी है। और विद्यार्थियों का कहना था कि जिस तरह कोरोना महामारी के कारण विद्यार्थियों का शिक्षा से एक बैलेंस बिगड़ा हुआ है, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई नहीं दे पा रहे, ना ही अभी तक उनकी कोई तैयारी हुई है, और उन्हीं समस्याओं को लेकर आज विद्यार्थी परिषद ने एक मांग पत्र दिया है। विद्यार्थियों ने कहा है कि हमारा एक पेपर जिस तरह सभी यूनिवर्सिटियों के ऑनलाइन ऑफलाइन है, उसी तरह CDLU के पेपर भी ऑनलाइन ऑफलाइन हो। और दूसरी हमारी मांग थी कि हमारे पेपर भी एनी फाइव से हो। और तीसरी मांग ये है कि जिस तरह चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय ने 10 तारीख से पेपर शुरू कर दिए गए हैं और जिसके कारण विद्यार्थी अभी पेपर देने के लिए तैयार नहीं है, तो विद्यार्थियों ने कहा कि हमारी डेट शीट आगे बढ़ाई जाए ताकि हम पूरी तरह से तैयारी करके अपने पेपर दे सकें, ताकि कोई भी हमारा आगे भविष्य खराब ना हो। ऐसी अनेकों समस्याओं को लेकर आज हमने रजिस्ट्रार महोदय को ज्ञापन दिया है ताकि आने वाले टाइम में विद्यार्थी कोई इन चीज़ों पर लेकर प्रदर्शन ना करें और ताकि उनकी पढ़ाई खराब ना हो, ऐसी चीज़ों को लेकर हमने ज्ञापन दिया। और बड़ा दुर्भाग्य की बात मैं कह सकता हूँ कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो अभी तक विद्यार्थियों के हितों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, और दूसरी यूनिवर्सिटी में देखें तो ऑनलाइन ऑफलाइन एनी फाइव और विद्यार्थी हित को देखते हुए काम लिए जाते हैं। एक यूनिवर्सिटी है जो यहाँ का वाइस चांसलर जब विद्यार्थियों की बात आती है तो यूनिवर्सिटी छोड़कर भाग जाता है, जिस तरह आज यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नहीं था और हमें हार कर रजिस्ट्रार महोदय को ज्ञापन दिया गया और रजिस्ट्रार महोदय ने हमें आश्वासन दिया गया है कि जल्द जल्द आपकी मांग पूरी कर दी जाएगी, न तो आने टाइम में विद्यार्थी परिषद आपके खिलाफ आंदोलन करेगा। धन्यवाद।